हेलो दोस्तों, मैं हूं तुलेश कुमार साह और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूं चौरस पिलर डिजाइन। ये डिजाइन मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे बनाया हूं, तो आप आगे वीडियो में बने रहें अगर आप ये डिजाइन सीखना चाहते हैं तो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पिलर में कभी भी डिजाइन बनाना हो तो पहले उसको एक दिन पहले प्लास्टर करके रखते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर घोला मारकर प्लास्टर करेंगे। पहले घोला को अच्छे से मार लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर मसाला मारेंगे। चारों तरफ मसाला मार लेने के बाद पट्टी को चला देंगे। पट्टी को सभी तरफ बराबर से आपको चलाना है, ऊपर से नीचे की ओर। पट्टी मान लेने के बाद एक बार इसे गोली में चेक कर लेंगे। आप चाहें तो टिप्पी मारकर भी ये पिलर का प्लास्टर कर सकते हैं। उसके बाद फिर धार को पाटा रखकर ये पट्टी को रखकर बांधी कर लेंगे। ऐसे ही प्लास्टर करके सभी तरफ का धार बांधी कर बना लेने के बाद ऊपर से जहाँ पर ऊपर का हिस्सा है वहाँ से हम 10 इंच नीचे नाप लेंगे। उसके बाद उस नीचे में लकीर पाल लेंगे। उसके बाद इस डिजाइन को ऊपर से नीचे की ओर लहर मारते हुए देंगे। और बीच के हिस्से को ऐसे थोड़ा नुकीला कर देंगे।
अब हमने जैसा निशान मारा है वैसे आप भी मार लीजिए। उसके बाद जो निशान है उसको थोड़ा अच्छे से गहरा कर लीजिए। उसके बाद फिर बीच वाले हिस्से में तेज मसाला मारकर थोड़ा उभार कर लेंगे। उसके बाद फिर बीच में जैसा मैं निशान लगाया हूँ वैसा भी आप भी निशान लगा लीजिए। उसके बाद हमने जैसे एक तरफ बनाया है सभी तरफ बना लीजिए। उसके बाद फिर नीचे में पाइप वाला डिज़ाइन डाल देंगे।
एक पाइप वाला डिजाइन हो जाने के बाद चारों कोने में एक एक फुट में हम निशान लगा लेंगे 12-12 इंच में। इसके बाद फिर स्केल पट्टी लेकर ऊपर कोने से नीचे 1 फुट में मिलाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 फुट का निशान है, वहाँ से हम 2 फुट में मिलाएंगे। ऐसे ही इधर की ओर 1-1 फुट नीचे हम मिलाते जाएंगे। आप याद रखें दोस्तों कि ऊपर की कोने से नीचे 1 फुट में मिलाना है, फिर वैसे ही गोल 1-1 फुट नीचे पट्टी को रखकर लकीर नीचे मिलाते जाना है हमको। आपको दिखा देता हूँ ऐसे 1-1 फुट नीचे लकीर मिलाने से कैसे दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर पट्टी को ऊपर में रखकर वहाँ पर नीचे अच्छे से लकीर खींच के थोड़ा गहरा करेंगे। इसके बाद पट्टी के ऊपर के जगह में ये पाइप वाला डिजाइन हम दे देंगे।
अब हमने जैसे कि एक तरफ काटा है वैसे ही इधर भी काट लेंगे और यहाँ पर भी ऊपर में पाइप वाला डिजाइन दे देंगे। ऐसे ही चारों तरफ एक करके हमको ये डिजाइन बना है दोस्तों। अब हमने जैसे ऊपर में किया है वैसे ही पूरा नीचे तक आ चुके हैं दोस्तों हम करते हुए पाइप का डिजाइन देते हुए। मगर यहाँ पर थोड़ा ये सूख गया है इसलिए इसमें डिजाइन देने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। Thank you.
डाल दिया।